माइगव डेली डाइजेस्ट के मंडे एडिशन में आपका स्वागत है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की। 5 साल तक चलने वाली इस योजना के लिए बजट में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे पहले सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेजों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के करोड़ों गरीबों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों का फायदा होगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 67वें समारोह के विजेताओं को पुरस्कार बांटे। इस अवसर पर फिल्म क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को प्रदान किया गया, जबकि अभिनेता मनोज वाजपेयी और धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अभिनेत्री कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। भारत में कोविड टीकाकरण का कवरेज 102.27 करोड़ से अधिक हो गया है। वर्तमान में रिकवरी रेट 98.18% है। माइगव डेली डाइजेस्ट की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।